Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant and a career counselor. सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस वंडरफुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं हिट किया तो प्लीज़ हमारे इस अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। आज का जो डिस्कशन है ये स्वीडन के बारे में है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट यूजी प्रोग्राम करने के लिए स्वीडन जाता है तो वहाँ पर यूजी प्रोग्राम करने में, बैचलर्स डिग्री करने में जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है, टोटल कितना एक्सपेंसेस वो स्टूडेंट वहाँ पर इनकर कर सकता है। स्वीडन देखिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है, यूरोप में नॉर्डिक कंट्रीज़ में आती है। एंड स्वीडन जाके अगर कोई भी स्टूडेंट बैचलर्स प्रोग्राम जिसकी ड्यूरेशन 3 साल है वो करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 45 लाख के आसपास के रेंज में उस स्टूडेंट को ट्यूशन फीस प्लस लिविंग मिला के टोटल एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है। देखिए ये सुन के तो महंगा लग रहा है बट पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड रहता है स्वीडन में, स्टूडेंट्स अर्न बैक कर सकते हैं एंड टोटल नेट कॉस्ट जो है दैट गोज़ डाउन, तो इतना भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड इट कैन बी ईजिली मैनेज। प्लस पढ़ने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है स्वीडन में, सेटल डाउन करना भी ईजी है, तो इट्स अ गुड डेस्टिनेशन एंड स्टूडेंट्स कैन टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। ऑल द बेस्ट, आई होप हमारा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि किसी को भी ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस की ज़रूरत हो तो उन तक हमारे बारे में इंफॉर्मेशन पहुँच सके एंड हम लोग उनको मैक्स टू मैक्स हेल्प कर सकें। अगर आपको भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप ऑफिस आवर्स के टाइम पे हम लोगों को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मंडे से सैटरडे मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 7 PM तक। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग।